70, 35, 29, 37, 75, 16, -42, 95. 393. 393 is correct answer. मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं देखा कि बच्चे बिल्कुल ऐसे करके चंद सेकंड में जवाब दिए जा रहे हैं। सर आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं हूं अनिल चौधरी और आज मैं मौजूद हूं कृष्णा अबेकस क्लासेस के अंदर जो कि जैन धर्मशाला के बिल्कुल पास में है और एलनाबाद के अंदर मैं मौजूद हूँ। और जो कृष्णा अबेकस क्लासेस है वो स्लामीज के द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है। यहाँ की यहाँ का सब सेंटर जो है यहाँ पर मौजूद है और मेरे साथ है विकास मोंगा जी और गंगानगर से जो सर हमारे साथ में है जो अबेकस का पूरा कोर्स करवाएंगे उनके बारे में भी हम जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर पवन पारिक है। आई एम इन PhD इन कंप्यूटर साइंस एंड 18 साल से मैं पीछे जो है गंगानगर में और अलग अलग जगह पे हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे ये अबेकस का जो है बच्चों को एजुकेशन देते हैं और इसमें ईयरली जो है कंपटीशन वगैरह सब जो है रहता है। नेशनल कंपटीशन भी होता है, स्टेट लेवल कंपटीशन भी होता है और बहुत अच्छा कोर्स है, बच्चों के फायदे के लिए बहुत बहुत बेनिफिट है। मैं दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से आने से पहले एक बात सुनी थी कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं चंद सेकंड में ऐसे 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 करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। ऐसा मुझे कभी बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा भी कभी हो सकता है। बड़ी बड़ी डिजिट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ऐसे करके बिल्कुल ऐसे ऐसे डांस जरूर सुना था मैंने पहले, कभी इस तरह से करके मतलब क्वेश्चंस के आंसर नहीं सुन देखे थे कि इस तरह से देते हैं, माइंड से देते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस जिनके बिल्कुल चंद सेकंड के अंदर उनके आंसर देना। तो सर कैसा है, पॉसिबल हो सकता है सर? बिल्कुल जी, ये एक्चुअल में ये ना तो कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई ऐसा होता है कि कोई बच्चे को आप ये सोचिए जो नंबर्स है इनको रटाया नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप रेंडम नंबर कोई भी नंबर लीजिए वो आप क्वेश्चन करिए, जैसे कि मैं अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन पूछ रहा हूँ इसी तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट तक करते हैं बच्चे और टेबल जो है 99 तक की टेबल तो सब बच्चे कर लेते हैं। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं जो जिनका IQ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो 3-4 digit तक की टेबल कर सकते हैं आराम से। जैसे आपने बोला कि मान लो 97 की टेबल है तो 97 की टेबल भी आराम से कर सकते हैं। तो सर एक चीज और है, मैंने इंटरनेट पे कुछ देखा कि कुछ पेरेंट्स इससे परेशान भी रहते हैं क्या कि इससे हमारे बच्चों के दिमाग में कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, इस तरह के क्वेश्चंस काफी लोगों ने पुट आउट किए थे मैंने इंटरनेट पे चेक किए, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स कभी बच्चों को फेस करनी पड़ी आपके सामने क्योंकि आपका तो 17-18 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इसके बारे में आपको ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है इसके लिए आपको धन्यवाद, क्योंकि ये क्या होती है भ्रांतियां होती है, कोई चीज को अपने जब तक जान नहीं लेते ना उससे पहले ही अपने उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। ऐसे ही वो जो कमेंट्स आए हैं वो उनके लिए है। हमारे पास जो है आप किसी भी बच्चे के पेरेंट्स से आप इंटरव्यू ले सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, किसी भी बच्चे को ऐसी परेशानी नहीं आती। इसमें क्या होता है जो टॉपर बच्चा होता है यदि वो इस कोर्स को करेगा तो वो और बढ़िया हो जाता है, मतलब अपने जो मान लो 100 marks भी आ रहे हैं तो उसमें वो और परफेक्ट हो जाता है और यदि एवरेज है तो वो टॉपर में आ जाता है और बिलो एवरेज है तो एवरेज में पहुंच जाता है। तो मैं आप लोगों को एक सेकंड सर मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम न लगाते हुए आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह बच्चे करते हैं। आप लोगों को ये शक नहीं होना चाहिए कि ये लोग जो है कोई बुक से देख के कर रहे हैं या कुछ इस तरह से करें, एक आपको डेमो इस चीज का जरूर दिखाते हैं बिल्कुल कैमरे के सामने। ये बुक से देखने का कारण ये है इसमें क्या है क्वेश्चंस लिखे होते हैं हर पेज पे और इनके नीचे आंसर लिखे होते हैं इसलिए बुक से हम करवाने पड़ते हैं, अदरवाइज जैसे रेंडमली भी अपने करवा सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल रेडी अभी देखिए बच्चों को करवा रहे हैं क्वेश्चंस बोल रहे हैं और आप देखना बच्चों की तरफ देखना वीडियो आप मैं आपको कहता हूँ इधर जरूर करके दिखाएं कि बच्चे किस तरह से इस आंसर को कर रहे हैं। हाँ जी सर बोलिए। 11, 48, -42, 16, 15, 48 इज करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। अभी एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ मैं, 15, 63, 70, 35, 29, 37, 75, 16, -42, 95. 393. 393 is correct answer. मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं देखा कि बच्चे बिल्कुल ऐसे करके चंद सेकंड में जवाब दिए जा रहे हैं। क्या कि जितने भी सब्जेक्ट्स है उनमें भी बच्चा फास्ट हो जाता है। अच्छा क्या होता है जैसे 5 मंजिल अपने चढ़ते हैं, एक तो सीढ़ियों से जाना होता है, एक यदि अपने लिफ्ट लगा देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, जाना आना इजी हो जाता है ना। ऐसा इनके होता है सेम जो कोई भी क्वेश्चन पेपर मैथ का जिसमें 1 घंटे का टाइम लगता है, आफ्टर दिस कोर्स यही कोर्स करने के बाद में लगभग वही पेपर जो 1 घंटे वाला 15-20 मिनट में सोल्व कर देते हैं।
इतना फर्क आ जाता है। तो आप सोचिए जो एसएससी का एग्जाम है या बैंकिंग का एग्जाम है, जितने भी एग्जाम जिनमें मैथमेटिक्स का पेपर आता है, यदि उसमें मान लो 30 मिनट मिलते हैं बच्चे को, तो 30 मिनट वाला ये बच्चा 5 से 6 मिनट में 7 मिनट में कंप्लीट कर लेगा, बाकी जो टाइम बचेगा वो अदर सब्जेक्ट पे वो लगा सकता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है।